आइए आज 2016 का सेट नंबर 5 देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आया है, मेनी पीपल कंप्लेन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीक्रेट ऑफ हेल्थ से आता है, इसको काट दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आया है, ये दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू आई गेट, ये भी सिलेबस में नहीं है, इसको भी काट दीजिए आप। आई एम जान सर से आते हैं, ये नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, कि इसकी वीडियो भी हम बना चुके हैं और क्लास में भी पढ़ाया गया है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आया है, हाउ डिड एजी व्हाट व्हेन डिड एजी गार्डनर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। तो एजी गार्डनर को सहयात्री के बारे में कब जानकारी हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डिड मैन कॉल द हॉर्स एन अनग्रेटफुल एनिमल, ये आपके सिलेबस में नहीं, सिलेबस बदल गया, पहले एक द हॉर्स नाम का चैप्टर था, वो अब नहीं रह गया, उसके बदले में ही आपको द होम कमिंग आया है, आर एम टैगोर का वो भी लिखा हुआ था, क्लियर। तो सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। हाउ डज द हार्ट गेट इट्स नरिशमेंट, सिलेबस में ये भी नहीं है, काट दीजिए। केवल आप इसमें दूसरे से पहला क्वेश्चन तैयार करिए। आइए अब ट्रू फॉल्स, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। गांधी जी बिलीव्ड इन द, क्या भरा जाएगा, फंडामेंटल भरा जाएगा, बिल्कुल सही, मौलिक तत्व। तो द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दी रिफ्यूजीज होगा। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर होगा, लेकिन ये इस वर्ष के सिलेबस में नहीं है। ऑल द सेम, ठीक है, फैट सीम्स, हाँ फैट रहेगा इस, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर। तो लास्ट के दोनों आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। पांचवा क्वेश्चन में आपको व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, शंकु घड़ी क्यों चुराया, सिलेबस में है, बिल्कुल है। हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू एवरी काइंड ऑफर ऑफ द जेंटलमैन, बच्चा सज्जन आदमी के प्रत्येक दयापूर्ण ऑफर पर क्या प्रतिक्रिया किया। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर मैनेज टू अर्न अ हैंडसम अमाउंट फ्रॉम द लास्ट क्लाइंट, क्लाइंट माने होता ग्राहक, अंतिम ग्राहक से ज्योतिषी कैसे हैंडसम अमाउंट माने अच्छी रकम, अत्यधिक रकम व्यवस्था कैसे कर लिया था, ये सब आपको कुछ सिलेबस में तीनों हैं, जिसकी आपको क्लास में नोट्स बनवाया गया है, प्लस वीडियो भी अपलोड है, आप नहीं देखो देख लीजिए सारी स्टोरी के नाम से। अगला है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये आपका माई हेवन से आया है, इसके कवि हैं आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। डाउट्स आर लवली, ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ, ये आपके बिल्कुल सिलेबस में है, जो कि आया है द सॉन्ग ऑफ फ्री बाई विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका जो सातवां क्वेश्चन है, देखिए ट्रू ब्यूटी है, एलिमेंट है, फॉर्म द पासिंग ऑफ अदर, ये तीनों आपके सिलेबस में है, जिसमें से पहला और दूसरा जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद तीन अलंकार में से एक आपको करना है, दो एग्जाम्पल लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। ही सेड, उसने कहा, तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सेड उसने कहा, वो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या चांस है, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो हो जाएगा ही सेड की जगह ही एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, सेड की जगह क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, क्लियर। विथ वंडर भी करना चाहो तो कर दो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट वाज ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, या विथ जॉय भी आप यहाँ कर सकते हो, दैट इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दैट इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्लियर, यह एक महान अवसर था, ठीक ना। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगला, ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, तो आफ्टर टू सेंटेंस है, ही एक्सक्लेम्ड, नहीं ही विश्ड कर दो, उसमें शुभकामना दिया जा रहा है, ही विश्ड डैट हिज फादर, आपको सब्जेक्ट बना देना है, उसके बाद यहाँ मे के लिए माइट लगा देना है, माइट, उसके बाद लिव लॉन्ग आपको जोड़ देना है, उसके बाद फुल स्टॉप, ही विश्ड दैट हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। चलिए सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ही सा ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो एडेप्टली, वह एक छोटे बच्चे को बहुत कुशलता से तैरते हुए देखा, ही वाज ओवर जॉयड एट इट, वह इस पर खुश था, बहुत खुश था। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ही सा हटा के सींग कर दीजिए, पार्टिसिपल्स बना दीजिए, सींग ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो एडेप्टली, उसके बाद आप कामा लगा के अगला वाक्य ज्यों कहते हैं लिख दो, बस बात खत्म, ही वाज ओवर जॉयड, एट इट भी हटा दो आप बस, क्योंकि ओवर जॉयड तक ही आपका काम है, मतलब एक छोटे बच्चे को कुशलतापूर्वक तैरता हुआ देखकर वह बहुत खुश हो गया,
क्लियर। पहले वाक्य में ही से हटा के सिंग करो, पूरा लिख के कामा लगा दो ही। दूसरे वाक्य में आई टिट लिखना जरूरी नहीं, ओवर जॉइंट तक भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। क्लियर, या लिख भी दोगे तो कोई समस्या नहीं है, पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं देख कर वह इस पर बहुत खुश हो गया। क्लियर, ठीक, ओवर जॉइंट तक कंपलसरी है, उसके बाद लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगला, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडियस हैज अ जनरस माइंड इट इज नोन टू वन एंड ऑल। कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्लियर, तो इसमें दैट से बिल्कुल बनाना पड़ेगा। शुरुआत में आप दैट लगा दीजिए, दैट के बाद या छोटे से कहते दैट ही इज इंटेलिजेंट स्टूडियस एंड हैज अ जनरस माइंड, उसके बाद इट हटा दीजिए। माइंड के बाद आप कामा लगा सकते हैं क्योंकि लंबा क्लाज है, उसको अलग करने के लिए लगता है थोड़ा रुक के करने के लिए। दैट ही इज अ इंटेलिजेंट स्टूडियस एंड हैज अ जनरस माइंड इज नोन कामा इज नोन टू ऑल, ऑल एंड ऑल, हर किसी के द्वारा, हर किसी के द्वारा जाना जाता है। क्या जाना जाता है कि वह एक बुद्धिमान है, स्टूडियस यानी पढ़ाकू लड़का है, और एक उदार मस्तिष्क है उसमें। क्लियर, देखिए नाउन क्लाज के नियम से बनेगा, क्योंकि इट के जगह हम पूरा दैट लगा के नाउन क्लाज बना देंगे, क्योंकि इट को हम नाउन क्लाज का सब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, इसलिए आपको पूरा दैट वाला पोर्शन पहले लिखना पड़ेगा। बाद में दैट लगाओगे तो नाउन क्लाज के पहले इट आ जाएगा, और ग्रामर का नियम हमें कह रहा है कि नाउन क्लाज के पहले इट दिस दस दैट या सो, इतने शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर, तो इसलिए हम इसको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो नाउन का रूल है, पांच तरह से नाउन क्लाज आता है, उस नियम से बना देंगे। क्लियर, एक्सीलेंट में इसका रूल दिया है, पहला ही रूल है। चलिए आगे, ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन करो, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो इसमें दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है बाय होम कर दो हु का, उसके बाद आर कर दो, बाय होम आर यू टाट इंग्लिश, किसके द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ये हो गया बाय होम आर यू टाट इंग्लिश। तो दूसरा तरीका है ऐसे कि बाय होम इज इंग्लिश टाट टू यू, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, तीसरा तरीका ये है बाय मत लगाओ, होम का हु ही रहने दो, हु आर यू टाट इंग्लिश, तब बाय लास्ट में कर दो, हु आर यू टाट इंग्लिश बाय, या हु इज इंग्लिश टाट टू यू बाय, ये सारे तरीके हैं। क्लियर, समझ गए कि नहीं? चलिए आगे, एज सून एज द टीचर इंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। निगेटिव बनाना है, तो इसको आप नो सूनर डिड से बना दीजिए। एज सून एज का निगेटिव नो सूनर डिड से बनता है, तो एज सून एज माने ज्यों ही, नो सूनर माने भी ज्यों ही। अब यहाँ इंटर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डिड लग जाएगा, तो आप नो सूनर डिड पहले कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिए द टीचर इंटर्ड में से ईडी हटा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डिड के नाते। इंटर द क्लास कामा द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हाँ एक काम और आपको करना है, कामा की जगह आपको दैन लिखना पड़ेगा, दैन टी एच ए एन, क्योंकि एज सून एज माने ज्यों ही, तो त्यों ही के लिए कामा लगता है, लेकिन नो सूनर के साथ त्यों ही के लिए दैन लगता है। क्लियर, तो हो जाएगा नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, इंटर रहेगा डिड के नाते, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद दैन लगेगा कामा की जगह, अगला वाक्य ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सिंटैक्स का क्वेश्चन हल करते हैं। वी मस्ट हेल्प पुअर्स, तो पुअर का बहुवचन यस लगा के नहीं बनता है, द लगा के बनता है, द पुअर, पुअर्स काट के द पुअर कर दो, एकदम सही हो जाएगा। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो गरीबों का द पुअर, पुअर पहले द लगा देते तो पुअर पर्सन हो जाता है, क्लियर, बहुवचन हो जाता है, एडजेक्टिव कॉमन नाउन की तरह काम करने लगता है अगर द लगा देते हैं, और यस नहीं लगाया जाता, पूरे समूह को अपने आप बताता है। क्लियर, अगला, तो पुअर पहले द भी लगेगा, यस नहीं जुड़ेगा। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो फिजिक्स एक ही विषय है, इसलिए आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। क्लियर, हाँ, आई कन्वे माई थैंक फॉर हिज सपोर्ट, तो मैं उसके समर्थन के लिए अपनी तरफ से थैंक कहा, थैंक नहीं रहेगा, थैंक्स रहेगा। क्लियर, कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट, अगला हो जाएगा। अब देखिए वन मस्ट, क्लियर, वन मस्ट लव हिज कंट्री, तो हिज कंट्री नहीं रहेगा, ठीक है, वंस कंट्री रहेगा, वन के साथ कभी भी हिज नहीं लिखा जाता है,
या नहर लिखा जाता है, वन एपोस्ट्रॉफीएस लगता है, उसी की कैटेगरी का वर्ड रहता है। क्लियर, वन से ही रिलेटेड है। वन का अपना, वन के साथ अपना की अंग्रेजी वन से लिखा जाता है, स्वयं की अंग्रेजी वन सेल्फ लिखा जाता है। क्लियर, इस बात को ध्यान देना। अगला है ही मोर प्रिफर्स काफी देन टी, तो सीधी बात है प्रीफर कंपेरेटिव डिग्री है, इसके साथ मोर नहीं लगता अलग से। प्रीफर माने हो गया अधिक पसंद करना, अधिक की अंग्रेजी मोर नहीं लिखा जाएगा, पहली गलती। और दूसरी गलती ये है कि इसके साथ देन नहीं लगता, प्रीफर के साथ टू लगता है। प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ ऑलवेज वी कैन यूज टी ओ नॉट देन। क्लियर, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है ही इज मोर ब्रेवर, इसमें भी वही बेवकूफ़ी किया गया है। तो ब्रेवर माने जब अधिक बहादुर होता है तो मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मोर हटा दीजिए, बाकी आगे सब कुछ सेंटेंस सही है, वह जितना हम आशा किए थे उससे अधिक बहादुर है। क्लियर, चलिए अब हम लोग मुहावरे पर आते हैं। एट योर फिंगर्स टिप्स, एट योर फिंगर टिप्स माने क्या होता है, एक्सीलेंट में आपको दिया गया है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, हर समय याद। क्लियर, हर समय याद, एट योर फिंगर्स टिप्स। कुछ लोग कैसे कहते हैं जोड़ घटाओ, वैसे फिंगर से करते ना, ये रूल है, ये हो रहा है, ये इसका मतलब इतना हो गया, मतलब फिंगर से अपने कैलकुलेशन करते हैं कुछ लोग ना, क्यों, क्योंकि उनके हर समय याद रहता है, उनकी उंगलियों पर रहता है, कहते हैं ये सारे नियम तो मेरी उंगलियों पर हैं, मतलब हर समय याद है। आप समझ गए ना ट्रिक, फिंगर्स टिप मतलब हर समय याद, फिंगर माने अंगुली होता है, अंगुलियों के टिप माने सिरे, अंगुलियों के सिरे पर है कोई भी रूल आपके, अगर अंगुलियों के सिरे पर है जो कहो तो सो बता दें, इसका मतलब आपको हर समय याद है, आराम से याद हो गया ट्रिप में, आपके भी फिंगर ट्रिप पे हो गया या मुहावरा हर समय याद रहेगा। इन ब्लैक एंड वाइट माने क्या होता है, मतलब ऐसे कह दो सेंटेंस बना दो, रूल्स ऑफ ग्रामर आर एट हिज फिंगर स्ट्रिप्स, रूल्स ऑफ ग्रामर आर एट माई फिंगर स्ट्रिप्स, ग्रामर के नियम तो मेरे मुझे हर समय याद रहते हैं। क्लियर, बिल्कुल याद रहना चाहिए तभी तो आप करोगे। इन ब्लैक एंड वाइट माने क्या होता है, लिखित रूप में ट्रिक क्या कह रही है याद करने की, ब्लैक माने काला, वाइट माने सफ़ेद, अब पन्ना आपका क्या रहता है, सफ़ेद रहता ना, काले से ऐसे लिख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, लिखित रूप में हो जाता है, ऐसे इसको समझ लो आराम से याद हो जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए टू ब्रिंग टू बुक माने क्या होता है, सज्जा देना, याद करने की ट्रिक क्या हमारी कह रही है, ब्रिंग माने लाना, बुक माने किताब, किताब तक लाना यानी कि किसी को सजा देना, ये किताब नहीं गीता वाली किताब, आप सुने होंगे कोर्ट में जो है जज साहब कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहोगे जो कहोगे सच कहोगे, तो कहेगा हाँ मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो अब क्या है भले झूठ बोले लेकिन कहा तो कहते हैं ना, तो यानी कि जज अगर किसी को किताब तक ला रहे हैं तो सीधी बात है किसी को तो सजा देंगे ही। क्लियर, निर्दोष को या दोष बात अलग है सबूत के हिसाब से, लेकिन देंगे ना, तो इस तरह से किताब तक लाना का मतलब सजा देने के लिए ही उसको किसी को किताब तक लाया जाता है, किताब यहीं से आप ट्रिक बनाइए समझिए, आप समझ गए ना, ऐसे याद करो। एक्ट अपान माने क्या होता है बताओ, एक्ट अपान माने दूसरों के अनुसार कार्य करना, आपका फ्रेजल वर्ब है एक्सीलेंट में है, एक्ट अपान माने के अनुसार कार्य करना, तो इसमें याद करने का तरीका क्या है इसका, एक्ट माने कार्य कर, अपान माने क्या होता है ऊपर, यानी आपसे कोई पद में या उम्र में ऊपर है उसके कहे के अनुसार अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक्ट अपान कर रहे हो, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो मैं आपसे क्या हूँ पद में ऊपर हूँ एज में ऊपर हूँ, तो मेरे अनुसार आप लोग पढ़ रहे हो तो हमारे के अनुसार क्या कर रहे हो काम कर रहे हो, इसी को एक्ट अपान कर रहे हो आप लोग। क्लियर, चलिए आगे, आप अपने बड़े भाई के अनुसार कार्य कर रहे हो वो भी बड़ा ऊपर है, पिताजी के अनुसार अंकल के अनुसार टीचर के अनुसार सब एक्ट अपान कर रहे हो। क्लियर, अपान ऊपर। बोन ऑफ कंटेंशन माने क्या होता है, झगड़े की जड़, देखिए कंटेंशन माने होता ही है झगड़ा, अब बोन माने होता है हड्डी। क्लियर, तो इसमें याद करने की ट्रिक क्या होगी, क्लियर आप देखिए कोई किसी को मार के उसकी हड्डी, झगड़ा हुआ कोई किसी को मार के उसकी बोन को तोड़ दिया, बोन माने हड्डी, तो वो क्या है झगड़े की जड़ बन जाएगी कि हाँ यही हमको मारा था हमारे खानदान में चोट लगी थी झगड़े की जड़ हो गया क्योंकि मार के हड्डी तोड़ दिया। शांत रहो, एक तो ये ट्रिक होगी, इसको भूल गया चलो दूसरी ट्रिक बताते हैं, अगर कभी आप क्या कि वो हड्डी वगैरह देखते हो कुत्ते के सामने खा रहे हो कोई मीट वगैरह भेज फेंक देता है एक कुत्ता और आके खाने लगता है तो दोनों में क्या हो जाता है झगड़ा हो जाता है, तो हड्डी क्या हो जाती है झगड़े की जड़ हो जाती है, इस तरह से भी आप ट्रिक बना सकते हो। क्लियर, आई होप अब नहीं भूलोगे। ठीक,
चलिए आगे, शांत रहो, ट्रिक से याद करोगे याद हो जाएगा, नहीं तो आप बोलो, अगर याद है तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप मत ट्रिक अप्लाई करिए, नहीं याद है तो आप अप्लाई करिए, क्लियर? क्योंकि ट्रिक का मतलब मेन मकसद होता है याद कराना, और काफ़ी तो हम सही ट्रिक बताते हैं, क्योंकि बना कैसे है वही ट्रिक हम बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना? देखिए, अलाइव माने जीवित, डेड हो जाएगा, डेड माने मृतक, क्लियर? अराइव टू डिपार्ट, सॉरी, अच्छा अराइव है, सॉरी फॉर दैट, मैं जल्दी में देख लिया, अराइव, अराइव माने आना, डिपार्ट माने जाना या प्रस्थान करना, ट्रेन आने के लिए अराइव लिखा जाता है, कम नहीं लिखा जाता है, और ट्रेन जाने के लिए गो नहीं लिखा जाता, डिपार्ट लिखा जाता है, क्लियर? काइंड माने दयालु, तो क्रूएल, सी आर यू ई एल, जेनुइन माने असली, जेनुइन असली, सामान खरीदने गए जेनुइन सामान खरीदिए, असली, तो इसका होता है नकली, स्पोरियस, एस पी यू आर आई ओ एस, स्पोरियस माने होता है नकली, स्पोरियस, एस पी यू आर आई ओ यू एस, स्पोरियस माने भी होता है नकली, दूसरा का काइंड का क्रूएल कर दीजिए, सी आर यू ई एल, क्लियर? डुप्लीकेट भी कर सकते हो, काउंटर फीट कर सकते हो, काउंटर फीट करेंसी होती है नकली नोट, जाली नोट, क्लियर? लेकिन स्पेशली वो करेंसी के लिए लगता है, ठीक ना? ज़्यादा एकदम स्पेशल स्पोरियस है, एस पी यू आर आई ओ एस, क्लियर? आप देखिए, तो सम प्रयास ये करें एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम्स या सिनोनिम्स देखें, ठीक ना? आप देखिए, डेड माने सिनोनिम्स बताइए, मृतक, अच्छा एंटोनिम्स है तो नहीं, सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है तो डेड माने मृतक, तो लाइफलेस कह दीजिए, लाइफलेस, लाइफलेस माने होता है मृतक, जिसका लाइफ है ही नहीं, हो कम होगा, एकदम लेस हो गई हूँ, क्लियर? डेड तो है ये है, डेथ नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि डेड आपका एक एडजेक्टिव है और डेथ आपका नाउन है, तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सॉल्व करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये सजाती होते हैं, मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही उसका एंटोनिम्स होना चाहिए, या सिनोनिम्स, जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स है तो उसका एंटोनिम्स भी सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स से अगर पूछा है तो वो शब्द अगर एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है या एडवर्ब, चार शब्द ही आते हैं आपको परीक्षा में, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो एडवर्ब आएगा, या तो वर्ब आएगा, या तो नाउन आएगा, तो जो आएगा उसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स भी वही होना चाहिए, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। आप एक्सीलेंट खोलिए कोई भी किताब, उसमें देखिए इसी हिसाब से दिया रहता है, ठीक, ताकि अर्थ में परिवर्तन ना हो उसका, चाहे जहां हम यूज करें, क्लियर? इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी समझ होनी चाहिए। झील माने उत्साह, झील माने उत्साह, इसको कह दो एंथुजियाज्म, ई एन टी एच यू एस आई ए एस एम, एंथुजियाज्म, क्लियर? एंथुजियाज्म माने ई एन टी एच यू, एक्सीलेंट में है शब्द, ई एन टी एच यू एस आई ए एस एम, एंथुजियाज्म माने उत्साह, क्लियर? चलिए आगे, सैक्रेड का क्या हो जाएगा? होली, ठीक ना? सैक्रेड का होली, एक बात यह भी जान लो, जो सिनोनिम्स हम बताए सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हो तो ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई भी मतलब अगर शब्द एडजेक्टिव रहेगा तो उसके साथ नाउन सेट करो, अगर नाउन सेट हो जा रहा है तो जान लीजिए वो एडजेक्टिव है, जैसे लाइफलेस पर्सन, निर्जीव व्यक्ति, डेड पर्सन, लेकिन डेथ पर्सन आप नहीं कहते हो, क्लियर? क्योंकि वो नाउन है, तो इस तरह से उसके साथ एडजेक्टिव के साथ नाउन सेट हो जाता है, अगर नाउन रहेगा तो उसके साथ एडजेक्टिव नहीं, क्लियर? उसके पहले एडजेक्टिव आ सकता है, इस तरह से जान लो, वर्ब तो जान ही रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हिंदी में ना शब्द आता है, गो मींस जाना, स्लीप माने सोना, और नाउन तो जानते हो नेमिंग वर्ड होता है, कोई भी नाम जिसका कुछ नाम है, व्यक्ति वस्तु स्थान, उसको हम संज्ञा कहते हैं, क्लियर? तो इस तरह से ट्रिक मतलब थोड़ा सा समझ सकते हो कि हाँ नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, अगर ये सब नहीं है तो आप एडवर्ब हैं, क्लियर? चलिए, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के लिए एक शब्द बताओ, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? इलिजिबल कहते हैं, आई डबल एल ई जी आई बी एल ई, इलिजिबल माने आप पठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, ना कि जो नहीं पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ सकता तब इलिटरेट होगा,
जिसे पढ़ा ना जा सके, मतलब कोई चीज़ लिखा गया है, आप लोग कुछ लोग ऐसी राइटिंग लिख देते हो कि उसको पढ़ने में समझ नहीं आता क्या लिखे हो। कंडक्टर की राइटिंग और डॉक्टर की राइटिंग सब लोग नहीं समझ पाते ना, क्योंकि वो इलिजिबल लिखते हैं। क्लियर? वो कंडक्टर समझेंगे और ये तो कंप्यूटर समझेगा, मेडिसिन सेलर समझेगा। क्लियर? तो इलिजिबल, तो आप लोग इलिजिबल लिखना है परीक्षा में, इलिजिबल मत लिखना, मैथ नंबर कट जाएगा। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी किताब जहाँ रखी जाती है उसको कहते हैं कैटालॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ए टी ए एल ओ जी यू ई, कैटालॉग माने होता है पुस्तक सूची, किताब में मिल जाएगा, एक्सीलेंट। सी ए टी ए कैटालॉग एल ओ जी यू ई, ठीक ना? हाँ, देखिए आपका जो है पुस्तकों की सूची जो है वो कैटालॉग हो गया, सी ए टी ए एल ओ जी यू ई। उसके बाद है अगला है द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात बच्चे की हत्या कर देने को क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड, एक्सीलेंट में मिल जाएगा, इन्फेंटिसाइड। पहले इन्फेंट लिख दो, आई एन एफ ए एन टी, उसके बाद आई कर दो, साइड जोड़ दो, सी आई डी। साइड माने होता है किलिंग आर मर्डर। क्लियर? इन्फेंटिसाइड माने शिशु हत्या, नवजात शिशु की हत्या कर देना। जैसे कंस क्या करता था, तो जो देवकी की संतान होती थी छोटे बच्चे की पैदा होती उनकी हत्या कर देता था, तो इन्फेंटिसाइड कर देता था वो। क्लियर? ठीक, चलिए आगे। अगला है देखिए होम फोन से चाइल्डिश, चाइल्डिश जो है माने होता है मूर्खतापूर्ण या बचकाना। क्लियर? जैसे चाइल्डिश बिहेवियर, मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो। अब चाइल्ड लाइक माने क्या होता है? बच्चों जैसा, यानी कि भोला भाला। ठीक है, जैसे योर स्माइल इज चाइल्ड लाइक, आपकी मुस्कान बच्चों जैसी है, ये मतलब पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आइए अब ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। बिना साहस के मनुष्य का जीवन मिट्टी के ढेले के समान या निर्जीव मूर्ति के समान होता है। लिखो विदाउट करेज, पहले बिना साहस के फ्रेज लिखो, विदाउट करेज कामा सी ओ यू आर ए जी ई करेज, विदाउट करेज द लाइफ ऑफ मैन कर दो या एमेंस लाइफ कर दो, एमेन पोस्ट ऑफिस लाइफ ये भी कर सकते हो, द लाइफ ऑफ मैन कर दो या एमेंस लाइफ मनुष्य का। क्लियर? इज लाइक ए लंप ऑफ सॉयल, लंप माने होता ढेला, एल यू एम पी, इज लाइक ए लंप, जैसे लंप माने ढेला या पिंड कोई भी मिट्टी का इकट्ठा। क्लियर? लाइक ए लंप ऑफ सॉयल एस ओ आई एल, आर लाइफलेस, आर लाइफलेस स्टेचू, चाहे आप स्टेचू लिख दो या ए टी यू ई या आई डी ओ एल भी लिख सकते हो, आइडल माने भी मूर्ति होता है। फिर सुन लो, विदाउट करेज कामा ए मैंस लाइफ कर दो या द लाइफ ऑफ मैन, इज लाइक ए लंप ऑफ सॉयल आर लाइफलेस स्टेचू, एस टी ए टी यू ई स्टेचू माने मूर्ति, या आई डी ओ एल आइडल माने भी मूर्ति होता है, जो भी लिख लो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस माने होता नेपोलियन के शब्दों में लिखो इन द वर्ड्स ऑफ शब्दकोश में, ठीक है, असंभव शब्द था ही नहीं। क्लियर? हाँ, इन द डिक्शनरी ऑफ नेपोलियंस या नेपोलियंस, इन नेपोलियंस डिक्शनरी ऐसे भी कह सकते हो, इन नेपोलियंस डिक्शनरी का दो या इन द डिक्शनरी ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन की स्पेलिंग सुन लो, एन ए पी ओ एल ई ओ एन, नेपोलियन, हाँ एल ई ओ एन रहेगा। हाँ, तो इन द डिक्शनरी ऑफ नेपोलियन का दो या इन नेपोलियंस डिक्शनरी, काम कर दो। देयर वॉज नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल, देयर वॉज नो वर्ड टी एच ई आर रहेगा, लाइक इम्पॉसिबल मतलब असंभव के जैसा कोई शब्द नहीं था, कहने मतलब असंभव शब्द था ही नहीं। क्लियर? देयर वॉज नो वर्ड डब्ल्यू आर डी लाइक इम्पॉसिबल, वास्तव में आपको आपको भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इम्पॉसिबल को आप कायदे से पढ़ोगे ना, आई एम पॉसिबल, आई थ्री एम पॉसिबल, अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखोगे मतलब आई एम पॉसिबल, मैं संभव कर सकता हूँ, अच्छे नंबर बिल्कुल आप ला सकते हो। ठीक
ठीक है ना, आई एम पॉसिबल लाने के, क्लियर, ऐसा सोचो नेपोलियन की तरह। आंधी हो या तूफान, मार्ग में पहाड़ आए या घने जंगल, लिखो, आंधी हो या तूफान, वेयर इट इज, आंधी मतलब क्या होता है, स्टार्म कह दो, हाँ ठीक है, तूफान या आंधी, आंधी मतलब स्ट्रांग विंड कह दो ना, तो तूफान के भी एक अंग्रेजी अलग दिया, स्ट्रांग विंड कह दो, स्ट्रांग विंड मतलब तेज हवा, उसी को आंधी कहते हैं, स्ट्रांग विंड ज़्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि तूफान की एक अलग अंग्रेजी दी है, स्टार माने तूफान भी होता है, वेयर इट इज स्ट्रांग विंड, स्ट्रांग माने तेज, विंड माने हवा, तेज हवा को ही आंधी कहते हैं, क्लियर, वेयर इट इज स्ट्रांग विंड, ORR, टेम्पेस्ट माने तूफान, लिखो, स्टार भी लिख सकते हो, स्टार माने तूफान होता है, टेम्पेस्ट माने तूफान, शेक्सपियर के एक नाटक भी है टेम्पेस्ट, TEMPEST, वेदर इट इज स्ट्रांग विंड आर टेम्पेस्ट, क्लियर, काम कर दो, मार्ग में पहाड़ आए या घने जंगल, लिखा कम्स माउंटेन, माउंटेन माने पहाड़, आर डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल की अंग्रेजी, आर डेंस फॉरेस्ट इन द वे, डेंस फॉरेस्ट इन द वे कह दो या ऑन द वे भी कह सकते हो, क्लियर, ऑन द वे माने होता मार्ग में, ऑन ही बेटर माना जाता है, क्लियर, कम्स माउंटेन आर डेंस फॉरेस्ट ऑन द वे माने मार्ग में या रास्ते में, हाँ सबको चीरते हुए, काम कर दो, सबको चीरते हुए, लिखा पियर्सिंग, पियर्स माने चीरना या भेदना, PIERCING, पियर्सिंग ऑल, सबको चीरते हुए, पियर्सिंग ऑल कर दो या एवरीथिंग भी कर सकते हो, क्लियर, काम, अपना मार्ग बनाते हुए लक्ष्य पर पहुंचना ही नेपोलियन का सिद्धांत था, क्लियर, पियर्सिंग ऑल, काम, मेकिंग हिज पाथ, अपना मार्ग बनाना, पाथ का दो या वे भी कर सकते हो, पाथ मीन्स मार्ग या रास्ता, कामा लक्ष्य पर पहुंचना ही नेपोलियन का सिद्धांत था, लिखा रीचिंग द गोल, वाज, ठीक है, वाज द प्रिंसिपल ऑफ नेपोलियन, वाज द प्रिंसिपल, PLE रहेगा प्रिंसिपल में, सिद्धांत वाला है, गोल माने पहुंचना, रीचिंग के साथ प्रीपोजिशन लगता नहीं, रीचिंग गोल माने होगा लक्ष्य पर पहुंचना, रीचिंग गोल GOL, वाज द प्रिंसिपल, PRINCIPLE, वाज द प्रिंसिपल ऑफ नेपोलियन, NAPOLEON, नेपोलियन, हाँ यही फुल स्टॉप कर दो, इसी कारण लिख लो दिस इज वाई माने इसी कारण या इसी कारण से, यही दिस इज द रीजन ऑफ कह सकते हो, नेपोलियन, हाँ सो भी कह सकते हो, तो दिस इज वाई माने इसी कारण से या दिस इज वाई या दिस इज द रीजन, नेपोलियन विश्व की महान विभूति बना, लिखो नेपोलियन बीकेम, ठीक है, द ग्रेट पर्सनालिटी, महान विभूति मतलब महान व्यक्तित्व, द ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक ना, द ग्रेट पर्सनालिटी, क्लियर, हाँ ऑफ द वर्ल्ड, वैसे जेम माने भी रत्न या विभूति होता है, आइडल भी कह सकते हो आइडियल, लेकिन पर्सनालिटी बेटर होता है, ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का ग्रेट पर्सनालिटी है ना, महान विभूति, क्लियर, तो व्यक्तित्व महान है, फुल स्टॉप, आपको जो कार्य करना है, द वर्क विच यू वांट टू डू, द वर्क विच यू वांट टू, जो आपको करना मतलब जो आप करना चाहते हो, द वर्क वह काम, विच यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हो, कहने मतलब आपको जो कार्य करना है उसको अवश्य कीजिए, काम करके मस्ट डू, द वर्क विच यू वांट टू डू कामा मस्ट डू, मस्ट डू माने उसके उसे अवश्य करो, क्लियर, मस्ट डू फुल स्टॉप, यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, इफ यू आर फर्म डिटर माइंडेड, इफ यू आर फर्म डिटर माइंडेड, क्लियर,
या स्टेडफास्ट भी कह सकते हो, स्टेडफास्ट माने भी दृढ़ होता है। कामा फर्म डिटरमाइंडेड डी ई टी ई आर एम आई एन डी ई डी, तो अगले कामा लगा दो। विश्व की कोई भी शक्ति आपका मार्ग नहीं रोक सकती है, क्लियर। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड, नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन प्रिवेंट कर दो या स्टॉप कर दो, कैन स्टॉप योर वे। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड, संसार वाला वर्ल्ड, कैन स्टॉप या प्रिवेंट योर वे, ठीक है, फुल स्टॉप। यह उद्यमी पुरुषों ने सिद्ध कर दिया है, इट इज, ठीक है, प्रूव्ड बाय, ऐसे भी कह सकते हो इंडस्ट्रियस पर्संस हैज प्रूव्ड इट। इंडस्ट्रियस माने उद्यमिक, मतलब वही परिश्रमी, आई एन डी यू एस टी आर आई ओ यू एस, इंडस्ट्रियस पर्संस या मेन कह सकते हो, हा हैव प्रूव्ड इट, हैव प्रूव्ड इट, इंडस्ट्रियस पर्संस हैव प्रूव्ड इट, एक्टिव पास्ट में गया या पैसिव पास्ट में गया, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय इंडस्ट्रियस पर्सन, बात एक ही हुआ, क्लियर। हैव पर्संस हैव प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, इट प्रूव्ड इट, हो गया। बढ़ते हैं आगे, उनका किसी ने, फुल स्टॉप कर दो, उनका किसी ने इस मार्ग नहीं रोका, लिखो नन, नन कह दो या नो बॉडी कह दो, दोनों चलेगा, नन हैव, क्लियर, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड कह दो या चेक्ड कह दो, दोनों चल जाएगा, रोकना कहें स्टॉप्ड या चेक्ड, नन हैव स्टॉप्ड या सी एच ई सी के ई डी चेक्ड, स्टॉप्ड में डबल पी हो जाएगा, ध्यान देना, स्टॉप्ड देयर वे, स्टॉप्ड देयर वे, नन भी कह सकते हो, नो बॉडी भी कह सकते हो, हैव स्टॉप्ड देयर, नन हैव स्टॉप्ड देयर वे। उसके बाद कामा कर दो, अगर रोका है, इफ दे, इफ दे चेक्ड, क्लियर, इफ दे चेक्ड, यदि वे रोके, यानी रोके हैं तो उन्हें असफल होना पड़ा है, क्लियर, हाँ, ही हैज टू, ना हाँ, दे, दे हैव टू, क्लियर, डिफीट, हाँ, दे हैव टू, सफल होना पड़ा है, दे हैव टू फेस फेलर, ऐसे ज़्यादा पड़ेगा, दे हैव टू फेस फेलर, उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा है, फेस फेलर, हो गया। तो ठीक है, अब एक बात याद है, यदि अगर किसी ने रोका है तो क्या लिखे हो, इफ एनी वन ने, इफ एनी वन हैज, इफ दे चेक, अरे सुनो, फेस सुन लो, यदि उनका किसी ने मार्ग नहीं रोका, नन हैव, हाँ, स्टॉप देयर वे, उसके बाद यदि किसी ने रोका है, इफ दे हैव रेक्ड, तो देख, तो अब तो फिर कम बाद में दे लिखना पड़ेगा, अगर एनी बॉडी लिखोगे तो ही हैज भी होगा, क्लियर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इफ एनी बॉडी हैज चेक्ड कामा ही हैज टू फेस फेलर, दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे आप शुरुआत में लिखोगे वैसे आगे, क्लियर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।